7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक उनका समय निर्धारित किया गया। ये अपील इसलिए करी जा रही है कि जितना मैक्सिमम वोटिंग हो सकता है जिले में उतना वोटिंग होना चाहिए। पिछले कुछ इलेक्शन का डेटा जब देखा गया तो उसमें ये पाया कि जो हमारा शहर का इलाका है उसमें वोटिंग परसेंटेज कभी भी जो है 65-70% से ऊपर नहीं जाता। तो इस पर हम ये अपील एक इलेक्शन ऑफिस की तरफ से सारी पब्लिक को करना चाहते हैं कि हम सब लोग साथ मिलके कॉन्सर्टेड एफर्ट करें कि हम पूरे जिले में मोर देन 90% वोटिंग करें, ताकि जो एक डेमोक्रेसी का वोटिंग एक मेन सिद्धांत है, हर आदमी को वोट देने का हक है और हर आदमी को इसको वोट देने के हक को एक्सरसाइज करना चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि वोटिंग वाले दिन छुट्टी डिक्लेयर की जाती है, सभी ऑफिस, सभी इंडस्ट्री, सभी कार्यालय बंद रहेंगे। तो आप सब लोग भारी मात्रा में बाहर निकल के आए वोटिंग करें। बहुत सारी ऐसी आशंकाएं आपके मन में होंगी कि वोटिंग करने जाएंगे तो सबसे पहला मन में ये आता है कि कोविड का क्या होगा, इतने लोग वोटिंग करने जाएंगे तो कैसे होगा। तो ये आपको आश्वासन मैं प्रशासन की तरफ से देना चाहता हूँ कि कोविड की सभी गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करेंगे। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन पोलिंग स्टेशन में डिसइंफेक्शन 1 दिन पहले और पोलिंग वाले दिन किया जा रहा है। पोलिंग के दौरान जो दूरी दो लोगों के बीच में होनी चाहिए उस दूरी के वहाँ पे सर्कल बनाए जाएंगे और उसको मेंटेन किया जाएगा। मास्क अनिवार्य रहेगा, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स आपको वोटिंग के टाइम पे दिए जाएंगे प्रशासन के द्वारा, तो आपको वो घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चल सकते हैं कि जो हमने सब अरेंजमेंट करे हैं उससे कोविड का खतरा एक पोलिंग स्टेशन में आपको होने की संभावना बहुत कम है, तो आप बिना किसी भय के बाहर निकल के वोटिंग कर सकते हैं। मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि जितने लोग हैं जो जिनके साथ उनके सीनियर सिटीजन माता पिता रहते हैं या जो 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले हमारे नौजवान भाई बहन हैं जिनके एपिक कार्ड बने हैं और वोटर कार्ड बने हैं, वो भी वोटिंग करने के लिए सामने आए। बहुत से लोग, क्योंकि दिवाली का टाइम है तो छुट्टी का 1 दिन होता है वोटिंग का, तो ऐसा प्लान कर लेते हैं कि हम शहर से बाहर घूमने जाएंगे या शॉपिंग करने जाएंगे, सूरत जाएंगे या मुंबई जाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपने बच्चों के लिए भी और इन जनरल एक सोसाइटी के लिए भी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप अपना मतदान करके जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसी के चलते आप वोटिंग करने के लिए आप सब लोग भारी मात्रा में सामने आए। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने पोलिंग स्टेशन हैं वो सारे पोलिंग स्टेशन डिसेबल्ड फ्रेंडली हैं। जहाँ जहाँ पे व्हीलचेयर की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ पे ब्रेल वोटर कार्ड की या बैलेट पेपर की ज़रूरत होगी, जहाँ जहाँ पे किसी असिस्टेड वोटिंग की ज़रूरत होगी वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग को तो कोई भी तंगी ना आए वोटिंग करने के लिए, उसका पूरा ध्यान हमने रखा है, तो आप वोटिंग करने के लिए। इसमें ये भी हमने इंश्योर करने की कोशिश करी है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में जो कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होने चाहिए, तो कहीं पे भी 1200 से अधिक वोटर नहीं है तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं पे भी आपको 10 से 15 मिनट से ज़्यादा एक अपना मतदान करने में नहीं लगेंगे। तो 10 से 15 मिनट का टाइम हर कोई आदमी निकाल सकता है वोट डालने के लिए 1 दिन के लिए, तो उसको आप ध्यान में रखते हुए 30 तारीख को करने के लिए हमने जरूर है। इसके अलावा मैं आपको ये एक जनरल इंफॉर्मेशन सबको बता देना चाहता हूँ कि टोटल 333 हमारे पोलिंग स्टेशन टोटल जिले में रहेंगे, 2,58,000 हमारे टोटल वोटर्स हैं और जितने हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे पोलिंग की टीम्स हैं, जितनी हमारी ईवीएम्स हैं, सारी चेक होकर स्ट्रांग रूम में हम उनको सील कर चुके हैं, जिनको हम 29 तारीख को रात को सभी पोलिंग स्टेशन पे उनको भेज दिया जाएगा, ताकि 30 तारीख को सुबह 7 बजे जैसे मैंने बताया
प्रक्रिया खत्म कर दी गई थी पोस्टल बैलेट के द्वारा, और उनके सारे जो ओल्ड बैलेट पेपर्स हैं उनको ट्रेजरी में रखा गया, काउंटिंग वाले दिन काउंट किया जाएगा। अब ऐसा कोई भी जो डिपार्टमेंट के थ्रू सोशल वेलफेयर से जानकारी आई है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कि चल नहीं सकता है और जो नहीं आना चाहता था पोलिंग स्टेशन पे उसको मजबूर नहीं किया जाएगा वोटिंग स्टेशन पे आने के लिए। इसके अलावा जो हमारे कुछ डिसेबल्ड स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए हमने व्हीलचेयर की व्यवस्था और गाड़ी की व्यवस्था ताकि उनको घर से पोलिंग स्टेशन पे लाया जा सके, ऐसी 13 गाड़ियां का अरेंजमेंट किया गया है जो कि उनको घर से पोलिंग स्टेशन पे ला के उनकी वोटिंग कराएंगे, तो उनको हर सुविधा देने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जब वो पोलिंग स्टेशन पे आ जाते हैं तो सबसे पहले उन्हीं से मतदान कराते हैं। हमने जो कैश पकड़ा है उसमें से उसका एक बेसिक प्रिंसिपल सिद्धांत ये रहता है कि उसको हम कैश को दो, कैश हो या उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग चीज़ करते हैं, कैश उसका एक पार्ट है। कैश के साथ साथ उसमें ज्वेलरी होती है, गोल्ड सिल्वर के ऑर्नामेंट होते हैं, लेकर होता है, या कोई भी ऐसे इलेक्शन मटेरियल हो सकता है, पैम्फलेट हो सकते हैं, फ्लेक्स हो सकते हैं, होर्डिंग हो सकते हैं, स्कार्फ हो सकते हैं, जिसको कि वोटर्स को या इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए बांटा जा सकता है। जब भी ऐसा कोई मटेरियल पकड़ा जाता है तो उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ऐसा होता है जो कि इलेक्शन में कैश यूज होना हो और एक ऐसा कैश जो नॉर्मल आदमी सामान्य आदमी अपने किसी काम के लिए किसी पर्पज़ के लिए लेके जा रहा हो, बट क्योंकि वो जो लिमिट 50,000 की है उससे ज़्यादा है तो उसको ब्रीच करने के कारण पकड़ा गया है। जितने भी ऐसे मामले हैं जिसमें आज तक हमने कैश पकड़ा है उन सभी मामलों में जितनी अपील हमारे पास आई है वो सारी अपील कल शाम तक डिस्पोज कर दी गई है। उस अपील में से उसमें जितनी भी अपील आई है उसमें से जितने भी ऐसे मामले थे जो कि इलेक्शन रिलेटेड कैश नहीं था या जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ सकी थी कि वो कैश किस पर्पज़ के लिए भेजाया गया है, वो पूरा का पूरा कैश लोगों को वापस कर दिया गया है ताकि उनको कोई तंगी ना आए। हमारे पास ऐसे 8 मामले हैं जिनमें कि हमें ऐसा लगा है कि वो शायद इलेक्शन रिलेटेड कैश होगा, वो 8 मामलों का कैश अभी जब्त है, ट्रेजरी में है और उसको इलेक्शन के बाद उस पर निपटा लिया जाए। अगर दादरा नगर हवेली पूरे ज़िले में लोग देखें तो हमारी इस टाइम पे 18 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम मौजूद है, हमारे 4 फ्लाइंग स्क्वाड मौजूद है, 6 वीडियो व्यूइंग टीम मौजूद है और 33 सेक्टर मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड है, उसके साथ साथ 27 पुलिस एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंटेड है। हमारे पास 10 पैरामिलिट्री फोर्सेज की कंपनी जिले में ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं जो कि जगह जगह पर तैनात हैं। जो इस साल का इलेक्शन रिलेटेड सीजर है वो 2 करोड़ से ऊपर हो चुका है। इतना सीजर पहले किसी, जो मैंने पिछले 3 इलेक्शन का डेटा देखा है, पिछले 3 इलेक्शन से ज़्यादा ये सीजर है। तो इसके लिए जो प्रशासन ने अभी तक जो कदम उठाए हैं वो रिजल्ट ला रहे हैं। जितनी गाड़ियां मैक्सिमम हम अभी उसमें क्या करेंगे, बॉर्डर हम लोग सील कर देंगे। 27 तारीख से जब कैंपेनिंग खत्म होगी 7 बजे, उसके बाद में हमारा बॉर्डर जितना भी गुजरात महाराष्ट्र के साथ लगता है उसको सील कर दिया जाएगा और अंदर जितने हमारी चेकिंग है, फ्लाइंग स्क्वाड की मूवमेंट है और सेक्टर ऑफिसर्स की मूवमेंट है, उसको बढ़ा दिया जाएगा ताकि कोई भी ऐसा मूवमेंट हो तो हमें पता चले। पर हाँ, इसमें हर चीज़ प्रशासन नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरी अगेन, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल उठाया है, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई हुई एक सी विजिल ऐप है, वो सी विजिल ऐप पे मैं जो हमारी नगर हवेली की बहुत ही इन्वाइटेड जनता है उनसे भी अपील करता हूँ कि आपको कहीं पर ऐसा कोई इंसिडेंट दिखे कि कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, कोई कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप इमीडिएटली उस ऐप पे फोटो के साथ डाल सकते हैं। उस ऐप में अनिवार्य है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस है जहाँ पर हम अभी बैठे हैं वो 90 मिनट के अंदर अंदर उस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई है उस कंप्लेनेंट को वापस बताए, तो वो हम उसको 90 मिनट के पहले ही बताने की कोशिश करेंगे। हमारा 1077 हेल्पलाइन नंबर भी है, उसको हमेशा 24 घंटे चालू है, तो उसमें आप भी हमारा सहयोग करें। कोई भी आपको ऐसा इंसिडेंट दिखता है तो आप हमें बताएं, हम पूरी ताकत से और पूरी स्पीड से पूरी मुश्तैदी से उस एक्शन लेके उसको बंद करें। सर जो भी चुनाव में बहुत सपोर्ट रहा है तो वही सपोर्ट बना रहे और शहरी मतदाता भी इस बार आगे आकर